अस्सलाम वालेकुम, आज हम रिव्यू लेके आए LG कंपनी के डिशवॉशर का, जिसका जो मॉडल नंबर 532 है। ये LG कंपनी का सबसे लेटेस्ट मॉडल है, वाईफाई के साथ आता है, DC इन्वर्टर है और टच पैनल के साथ आता है। और हमेशा की तरह हमारी वीडियो बनाने का मकसद किसी भी प्रोडक्ट की तारीफ करना नहीं होता, बल्कि इसकी खूबियां खामियां आपके पास लाना होता है ताकि आपको परचेजिंग में आसानी हो सके। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी पैनल की व्यू, तो आप देख सकते हैं यहाँ टच पैनल के साथ मिल जाता है और इसके अलावा ऑटो ऑप्शन मिल जाता है, इसके अलावा डेलीकेट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप घर में मौजूद नहीं हैं और एक घंटे बाद वापस घर में आएंगे तो आप इसे डेलीकेट लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसके अलावा रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाता है, इको यानी कि मिक्स जो बर्तन होते हैं डिफरेंट किस्म के, उसका ऑप्शन मिल जाता है, टर्बो का ऑप्शन मिल जाता है, इसके अलावा साइक्लोन का ऑप्शन मिल जाता है और इसके अलावा बड़ी LED मिल जाती है। आप देख सकते हैं इसकी LED ज़रा डिफरेंट है। इसके अलावा वाईफाई का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आप अपने मोबाइल से भी चला सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। करना आपने ये है कि इसके जो QR कोड नंबर है वहाँ से स्कैन करना है और उसके बाद ये जो आपका डिशवॉशर है ये आपके घर के वाईफाई राउटर से कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद प्ले स्टोर से आपने एक ऐप डाउनलोड करनी है, जिसके बाद बड़ी आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं मोबाइल पे। उसके अलावा डुअल जूम का ऑप्शन मिल जाता है, हाफ लोड का ऑप्शन मिल जाता है, ये जो सारे फीचर हैं ये अनदर कंपनी में नहीं आते। उसके अलावा एनर्जी सेवर का ऑप्शन मिल जाता है और इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टीम का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अनदर किसी भी डिशवॉशर में नहीं आता। इसके अलावा हाई और लो इसमें टेम्परेचर मिल जाता है, इसमें आप अपनी मर्जी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, जो कि 35C से लेके 85C तक टेम्परेचर बनता है। एक्स्ट्रा ड्राई का ऑप्शन मिल जाता है और इसके अलावा स्टार्ट का बटन मिल जाता है। आप बात कर लेते हैं इसकी इनसाइड की, तो आप देख सकते हैं इनसाइड इसकी बात कर लें तो इनसाइड इसके बॉटम पे हमें शावर मिल जाता है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा 72 पीस इसमें आप रख सकते हैं, जैसे डिनर सेट कहा जाता है, और इसका हाफ भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट की बात कर लें तो इसकी यहाँ पर इसकी टैबलेट चलेगी, जो कि इसके साथ मिलती है, और उसके अलावा ईजिली किसी भी डिपार्टमेंट स्टोर से या आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, और उसके बाद ये आप इजीली चला सकते हैं। इसके अलावा स्पून रखने के लिए ये हमें बास्केट मिल जाती है, और इसके अलावा टॉप आप देख सकते हैं, जिसमें आप इसमें कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं और ग्लास रख सकते हैं प्लास्टिक के, और इसके अलावा ग्लास के इसमें आप किसी भी तरह का बर्तन यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्वांटिटी की बात करें तो 72 पीस इसमें आप इजीली वॉश कर सकते हैं, और इसमें आप अपनी मर्ज़ी का जो टेम्परेचर है वो दे सकते हैं। इसमें हमें तीन हॉल मिल जाते हैं, जो कि स्टीम प्रेस का काम करते हैं, जो कि अनदर किसी भी डिशवॉशर में नहीं आते। इसके अलावा इसकी जो बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील में मिल जाती है। प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक क्वालिटी इसकी काफ़ी बेहतर है, और इसके अलावा DC इन्वर्टर के साथ यह हमें मिल जाता है, आप देख सकते हैं। इसकी बात करें तो इसकी जो वारंटी है वो 10 ईयर है, और 1 ईयर इसकी पार्ट्स की वारंटी है, जो कि ईजिली पाकिस्तान में आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको आप देख सकते हैं अरब ममालिक में भी इसका जो स्टॉक है वो जाता है, थाईलैंड की कंपनी है जिसका जो स्टॉक है वो पूरी दुनिया में जाता है। इसके अलावा इसमें हम आपको काफ़ी ज़्यादा मुल्कों के UNA नंबर मिल जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान का भी अगर आपका दुकानदार बात नहीं सुनता तो, जो कि एजुअल पाकिस्तान में होता है, तो इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके आसानी आप सर्विस बैकअप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मुल्कों पर कि इसमें नंबर आपको मिल जाते हैं। मॉडल की बात कर रहे हैं तो 532 इसका मॉडल है, जो कि इसका सबसे लेटेस्ट मॉडल है। इसके अलावा इसका टॉप जो है वो भी हमें मेटालिक सिल्वर कलर के साथ मिल जाता है, और लेफ्ट एंड राइट वाली जो बॉडी है वो भी मेटालिक सिल्वर कलर के साथ मिल जाती है। बैक साइड की बात कर रहे हैं तो बैक साइड पर आप देख सकते हैं इसमें लार्ज ड्रेन हमें मिल जाता है, और इसके अलावा वाटर इनलेट का ऑप्शन मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसका जो बॉटम शावर है वो एक्स्ट्रा लार्ज है, जिससे जो बर्तन है वो काफ़ी अच्छे वॉश होने वाले। इसके अलावा इसका साउंड क्वालिटी की बात कर लें तो 39 dB है, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा एक्सेसरीज की बात कर लें तो इसमें आपको एक अदद वारंटी कार्ड मिल जाता है, और इसके अलावा मैनुअल गाइड बुक मिल जाती है, और ये इसका UNA नंबर है, जो कि पूरे पाकिस्तान में आसानी आप क्लेम कर सकते हैं। इसकी जो वारंटी है वो इंटरनेशनल है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी कवर करवाना चाहते हैं इन ममालिक में वो भी इजीली हो जाएगी। इसके अलावा मैनुअल गाइड बुक मिल जाती है, आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी पैकिंग में आती है। ऑटो वॉश का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अनदर काफ़ी ज़्यादा डिशवॉशर में नहीं आता। उसके अलावा ऑटो जो इसकी बॉडी है वो वॉश का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। एक्सेसरीज की बात करें व्यूअर, तो आप देख सकते हैं एक्सेसरीज इसमें आपको एक टूल मिल जाती है, ये जो बास्केट है। इसके अलावा इसके टॉप पे आप देख सकते हैं ये शावर है, और इसके अलावा एक जो शावर है इसका बॉटम पे, जबकि बहुत सारे जो डिश वॉशर इनका जो शावर है वो सिर्फ और सिर्फ बॉटम में होता है। इसमें जो टेम्परेचर है वो इजीली आप मैनेज कर सकते हैं 35C से लेके 85C तक, जो कि काफ़ी अच्छा टेम्परेचर है। इसके अलावा स्टीम का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप देख सकते हैं इसके बॉटम पे 4 होल मिल जाते हैं, जो कि स्टीम का काम करते हैं। इसके अलावा बॉडी की बात करें तो बॉडी इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील की, जो कि 304 कैरेट का बनता है, जिससे जंग नहीं लगेगा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बॉडी है।
डिश वॉशर को व्यूअर आप डेस्कटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा बिल्ट इन भी यूज़ कर सकते हैं। और एल जी एक मेड इन थाईलैंड की कंपनी है और 10 ईयर्स की हमें वारंटी मिल जाती है, जो कि इजीली आप क्लेम कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इस कीमत की व्यूअर, तो अब तक जब तक ये वीडियो बन रही है इसकी जो मार्केट में कीमत है वो 155 है, जो कि काफ़ी रिजनेबल कीमत है। इसे आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं सैमसंग से, बॉश से, और इसके अलावा जो लोकल कंपनीज पाकिस्तान में बाई आती हैं जिस तरह डॉलर से, उसे कंपेयर कर सकते हैं। जबकि उनमें से किसी भी डिश वॉशर में वाईफाई का ऑप्शन नहीं होता, और उसके अलावा इसमें स्टीम का ऑप्शन भी नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ एलजी में आपको मिलता है। प्राइस की बात कर लें तो प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आप लेके आते रहें।